सीतापुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का नामांकन है। नामांकन से पहले अनुराग ठाकुर ने एक जबरदस्त रोड शो किया है। अनुराग ठाकुर के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। रोड शो से पहले अनुराग ठाकुर ने कन्या पूजन किया। कन्या पूजन जिसे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। पूजन के साथ ही उन्होंने अपने रोड शो की शुरुआत की। आज हमीरपुर से जो कि बीजेपी उम्मीदवार हैं अनुराग ठाकुर हमीरपुर सीट से, वहां नामांकन से पहले देखिए छोटी छोटी कन्याओं का उन्होंने पूजन किया, बैठ हुए उन्हें लाल चुनरी उड़ाई और अब उनका नामांकन थोड़ी देर में है। जय श्री राम, अनुराग जी को जय श्री राम। और देखिए यहाँ पर जो तमाम नेत्री हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं। महिला मोर्चा आ गया, मोदी जी ने ठीक ठाक काम किया। अरे मोदी जी ने ठीक किया, अनुराग जी ने ठीक काम किया। हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। तो देखिए ये तो महिला मोर्चा है, हम आगे की तरफ जाते हैं और पुरुष मोर्चा से भी बात करते हैं। अरे क्या नाम है भाई? ऋषभ शर्मा। अरे ये बताओ किस चीज की जरूरत है, अभी यहाँ पर विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पर विकास हो रहा है, और ज्यादा गति के साथ होगा, अभी और होना, अभी और होगा। क्या क्या विकास? जय श्री राम जी। हाँ जी, विकास होना चाहिए, विकास बहुत हो रहा है और यहाँ देखो कितनी भीड़ झुमड़ी हुई है अनुराग के नामांकन के लिए। बिल्कुल, नामांकन के लिए यहाँ पर भीड़ है और यहाँ पर चारों तरफ का एक बार हाई एंगल से नजारा दिखाइए चारों तरफ का, कि यहाँ पर जो लोग हैं महिलाएं आई हैं, ये देखिए ये एक अलग ही टाइप का हिमाचल का फोक सॉन्ग। और लोगों को कहना यही है कि इस बार हिमाचल में चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और जो 6 विधानसभा की सीटें हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है।